ये तो उनके सपनों में हो सकता है, ऐसा जी नहीं जी है, जी ये वो भारत नहीं है, ये बहुत ग्रो कर जी चुका है आगे, तो जी इसके जी लिए जी ये अलोन स्टैंड करता है और अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखता है। कब तक ये बैंकरप्ट होगा, कब ये लोन पे फिर से बंगले पालेंगे और क्या क्या होगा इनके इसमें, तो बहुत जी जी प्रिडिक्टेबल है इनका नेचर और इनका वो पैटर्न। अच्छा, इनके पास जो फंड आ रहा है, इनको वो रिटर्न नहीं करना है, लेकिन ये उसको डबल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जी लाया भिखारियों की तरह बांट दिया, लाया भिखारियों की तरह बांट दिया, फिर हाथ खा ली, फिर गए। और इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी की, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो वो ऑनलाइन उन्होंने वर्चुअल मोड में कर दिया एससीओ जी को जी पे। जी और पाकिस्तान को भीख मिल गई है IMF से, $3 बिलियन की, $2 बिलियन का सऊदी अरब ने बोल दिया है, तो पाकिस्तानी तो अभी भंगड़े डाल रहे हैं। इस पे भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो मेरे साथ में आज कश्मीर से अनिका नज़ीर जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमें फख्र है इस पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, एंड बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी बात होती है अलग अलग मौजू पे, एंड थैंक यू सो मच फिर से बुलाने के लिए अपने चैनल पे। अभी पाकिस्तानी को हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खुशखबरी मिल रही है और इनको भीख पे भीख मिले जा रही है। आपको पता हो तो $3 मिलियन IMF ने इनको एग्री कर दिया लास्ट मोमेंट पे, जो इनका चल रहा था, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरे पैकेज में जाते हो, क्योंकि अगर ये डील नहीं हो पाती तो ये पेमेंट रुक जाता, फिर दूसरे के लिए उनको कन्वेंस करना पड़ता IMF को, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर इनको मिल गया। और शाहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको लोन मिल गया, मतलब भीख मिली है, कमाई नहीं है, भीख मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो भी हो इसका मतलब होता है कि भाई हमने बहुत बड़ी कामयाबी, हाँ कामयाबी हासिल कर ली है। और जैसे भीख मिलने में के अंदर उसके अंदर भी अब, और आज आज की लेटेस्ट न्यूज है कि सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन देने का पाकिस्तान को वादा कर दिया है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनकी भी शर्त ये थी अगर IMF ने तुम्हें पैसा दे दिया तो हम आपको देंगे। तो अब आप पाकिस्तान के पास थोड़े से पैसे आ गए, पाकिस्तानी बड़े उछल रहे हैं, भंगड़े वंगड़े पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, ये कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि ये तो बंदरबांट होगी, इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार होगा गरीब आवाम तक तो पहुंचना मैं नहीं तो है। बताती हूँ आपको, जब हमारा कोई, अच्छा हमारी सोसाइटी में कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, वो जब एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर 10,000-20,000 लोन लेता है, ठीक जी है, लेकिन उसको हिसाब होता है कि ये जो मैं 10-20 हज़ार ले रहा हूँ, इनको मुझे 40,000 बनाने हैं, ताकि जो जो 20,000 मैंने लिए है वो मैं वापस कर दूँ और अपने जी 20,000 से फिर आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। अच्छा, इनके पास जो फंड आ रहा है, इनको वो रिटर्न नहीं करना है, लेकिन ये उसको डबल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जी लाया भिखारियों की तरह बांट दिया, लाया भिखारियों की तरह बांट दिया, फिर हाथ खा ली, फिर गए। इनका एक साइकिल ही बन गया है, लाओ बटोरो, कूदो उस पर, बटोरो, फिर जाओ भीख मांगने, उधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, फिर इनकी यही हालत होगी, फिर ये साइकिल स्टार्ट होगा, फिर ये भीख मांगेंगे, फिर लाएंगे, फिर उसको बांटेंगे, उस पर कोई वर्क नहीं करेंगे। 10 बिलियन, 2 बिलियन छोटी रकम नहीं होती है ये, जी 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 लेकिन उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ हमारा मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का अपना 20,000 में बिजनेस, छोटा सा कुछ ठेला स्टार्ट करता है, वो भी उसको 1-2 महीने में 40,000 बनाता है और जी अपना कर्जा भी उतार देता है। और वहाँ इनके पास दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बिलियन रुपए आ रहे हैं और खत्म हो जाते हैं। और आपको लावे बटोरे। जी, मैं आपको और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, ये जो लोन लेते हैं ना, ये पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं और वो लोन चुकाते हैं फिर नया लोन लेते हैं, इनका साइकिल इस टाइप का बना हुआ, आप यकीन मानेंगे। ये अभी इसमें से जितना पैसा आया, जितना ये बांट सकते हैं कि कितना आर्मी अफसर को जाएगा, कितना PDM को जाएगा, हाँ, और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो थोड़ा कर्जा वर्जा चुकाने में जाएगा, क्योंकि ये चाइना को थोड़ा बहुत पैसा टाइम पे देते हैं, हाँ, क्योंकि इनको पता है कि इनकी मुसीबत के अंदर इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई काम आता है वो चाइना आता है, क्योंकि IMF की भीख मिलने से पहले भी $1 बिलियन अगर, जो एक मतलब ऑक्सीजन जिसने दी थी वो चाइना ने दी थी, तो चाइना को थोड़ा कर्जा चुकाएंगे और फिर उसके बाद में जब भी वो पेमेंट मिला है 5-6 महीने आते आते खाली हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो जैसा कि आपने कहा कि ये साइकिल फिर चलने वाला है, तो थोड़े दिन के लिए अभी जो पाकिस्तान जो बैंकक्रप्ट होने वाला था, दिवालिया होने वाला था, वो मेरे को लगता है कि 4-5 महीने आगे सरक चुका ही है। और वैसे भी अगर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया 2024 जनवरी तक होगा, वो अभी नहीं होगा वो। तो लगेगा टाइम, क्योंकि अभी तो आ रहे हैं इनके हाँ पास।
तो मेरे को लगता है कि उन्होंने इसी हिसाब से बताया होगा कि जैसे IMF से डील हो जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा आएगा और खर्च करने में 5-6 महीना गुजर जाएगा, क्योंकि तब अब जाके। देखिए वो होता ना कि हर देश की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक जी है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। अब जैसे रिसेंटली SCOs की मीटिंग भी हुई, तो सबको अपनी जगह ये था कि हम इंडिया जाएंगे, वहां पे ये प्रस्ताव रखेंगे या वो चीजें करेंगे, और इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी की, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो वो ऑनलाइन उन्होंने वर्चुअल मोड में कर दिया SCOs जी की जी मीटिंग, जी जी ठीक है। ये तो तो प्रिडिक्टेबल नहीं है, स्ट्रेटेजीज प्रिडिक्टेबल नहीं है इंडिया की, या बाकी भी ऐसे बाकी भी मुल्क है, बहुत सारे मुल्कों की नहीं है प्रिडिक्टेबल कि क्या करेंगे नेक्स्ट मूव, कहाँ डिप्लोमेटिक टाई देखेंगे, कहाँ किनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजीज है या इनका जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है क्या होना है। यहाँ जी का इंडिया का 10 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि इनके इस मुल्क की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, कब तक ये बैंकक्रप्ट होगा, कब ये लोन पे फिर से भंगड़े पालेंगे, और क्या क्या होगा इनके इसमें। सो बहुत जी जी प्रिडिक्टेबल है इनका नेचर और इनका वो पैटर्न। जी 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 आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मोदी जी ने जो वर्चुअल मीटिंग कर दी थी HCO की, इसके लिए तो मोदी जी की तारीफ तो यहाँ अपने हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी ने बहुत अच्छी की कि पाकिस्तानी PM को यहाँ हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। क्योंकि अगर HCO की मीटिंग अगर हिंदुस्तान में होती तो वो, जैसे आप पिछले बता राष्ट्र, वो गोवा में वो आया था, बिल्लो रानी, बिल्लो बिलावल भुट्टो, और कश्मीर 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 के नारे लगा के चला गया। ये तो अभी इनका चुनावों का टाइम आ रहा है, इनके चुनाव होने वाले हैं थोड़े टाइम के बीच में, वो तो अभी सिर्फ कश्मीर के अलावा कोई बात ही नहीं करता, वो सिर्फ अपना एजेंडा फिट करने आते हैं और पूरे पाकिस्तान की आवाम को दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तान में जाते हैं, हिंदुस्तान की छाती पर खड़े होकर कश्मीर कश्मीर करके आए हैं। तो इससे इनको उधर से सिंपत्ति मिलती, लेकिन मोदी जी ने कर दिया इनका बॉयकॉट। बोला बेटा वर्चुअली बोल लो, अब जो बोलना है, अब वर्चुअली तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, अपनी अपनी बात की सबने और सब चले गए। और इससे चाइना भी काफ़ी जी हाँ, और दूसरा क्या, चाइना भी इस चीज़ से नाराज़ हुआ। अब सुनने में तो ये भी खबर आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान ये नहीं चाहते, मतलब भारत से कुछ नहीं है HCO में रख के, कि भारत को कैसे भी किसी भी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए HCO से। ये तो उनके सपनों में हो सकता है, ऐसा जी नहीं जी है, जी ये वो भारत नहीं है, ये बहुत ग्रो जी कर जी चुका है आगे, तो जी इसके जी लिए ये अलोन स्टैंड करता है और अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी। अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे, अभी अपने इंडिया से रिलेटेड ही, कि मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस के बाद में वो जा रहे हैं सऊदी अरब। मुझे लगता है कि आई थिंक वो एक बहुत ही उनकी डेप्थ है उनकी लीडरशिप में। जैसे रिसेंटली कल ही एक और एक इस्लामिक सेंटर जो है हमारे कंट्री में, वहां पर भी सऊदी के जो गेस्ट आए थे, उन्होंने एक मजहबी मुद्दे को उठा के उसमें बात की उस पर कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है कैसे बन सकते हैं। जी तो जी जी लाइकवाइज जी अब वो फ्रांस जा रहे हैं और वहां से सऊदी एंड सऊदी से होकर इंडिया आएंगे, तो दैट मीन्स वो इन टाइज को और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी और जी बहुत जी ही डिप्लोमेटिक टाइज को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और सऊदी के साथ, मतलब हमारे देश में बहुत मुसलमान रहते हैं, जी तो वो भी एक एक कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से भी, या जो बाहर भी रहते हैं इंडियन मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स के साथ उनका, उस मुस्लिम नेशंस के साथ उनका उठना बैठना, उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज होना, वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारे देश के जी लिए। क्योंकि अब देखिए, अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए, अच्छा ये अब मुस्लिम नेशंस को इस्तेमाल कर करके उनको बता बता के कि हम मुस्लिम्स हैं, ये रियासत है मदीना, वो ये फलाना ढिमका, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन वो बता बता कर ये उनको, ये उन पर ये प्रेशराइज करते रहते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो, हम आपके, वी आर रिलेटेबल सम हाउ, जी जी और जी यहाँ हाँ, से वो कहते अपने हैं ना, लोगों को वो असी भी मुसलमान तो सी हाँ भी रेलेवेंस मुसलमान दिखा तुसी देंगे पैसे आपने कंडो। भले, नहीं तो जी मुझे बताइए सऊदी का क्या लेना देना पाकिस्तान से, बिगड़ा हुआ देश और एक गल्फ कंट्री, उसका क्या लेना देना उसके साथ। तो उस हिसाब से भी अब हमारे देश की स्ट्रेटेजीज जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है कि मुस्लिम नेशंस के साथ भी आप इक्वली, जैसे इंडोनेशिया है एक फ्रेंडली नेशन है, मुस्लिम नेशन है, तो बट प्रोग्रेसिव नेशन है वो। जी तभी जी मैंने जी जब बिगनिंग में बोला कि जो अब सीमा और उसका भी हो है, वो इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, इट इज अबाउट जी देश कौन सा है आगे। दो कंट्री नहीं हैं। तो इंडोनेशिया भी देश है, इंडोनेशिया के साथ हमारे अच्छे खासे टाइज है, और फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव देश है वो भी, तो वो एक हाँ, तो एक स्ट्रेंथन करने के लिए, वो टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए वो डेफिनेटली होंगे, और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है।
वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आगे भी आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच। अनिका निसार जी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहती है, खास तौर से ब्लॉगिंग वीडियो डालती है, कश्मीर की खूबसूरती भी दिखाती है और कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो डालती रहती है। तो जरूर से इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, स्वागत है आपका। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनिका जी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम।